नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारे देसी जी के ट्रिक का ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम पार्ट 4 कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो जाके हमारे देसी जी के ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए, और आप इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे उसको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, तो आप हमारा है जो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनको याद करने की देसी जी की ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक हमारी, वो हम देखेंगे इसमें। तो क्या है वो आप नीचे देख सकते हैं, अरुण ने बीच बो दिया। इसके अलावा मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपके लिए, तो आपको जो पसंद आए उसको आप याद रख सकते हैं। तो दर्रों से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के नाम थोड़े से याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी दर्रा आप नहीं भूलेंगे। तो आप यह देख सकते हैं, अरुण बीच बो दिया, एक ट्रिक है आपकी, अरुण बीच बो दिया। इस ट्रिक को आप छोटा करना चाहें तो सिर्फ बो दिया भी याद रख सकते हैं, क्योंकि तो ट्रिक में यही आपके काम आए। अरुण अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, यानी अरुणाचल प्रदेश के हमने दर्रे याद करने, तो अरुण का अरुणाचल प्रदेश, और इसका कोई काम नहीं आपके ट्रिक में, तो ये आपको खाली याद रखने के लिए यूज किया गया। तो आप नीचे देख सकते हैं, ये देखिए इसका डिटेल है, आपको अरुण बीच बो दिया आपकी ट्रिक है। आप यहाँ देख सकते हैं, वो से यहाँ हो गया कुंडला आपका, और डी से हो गया आपका दीपू दर्रा, और आपका जो या हो गया, या से हो गया आपका यंगयाप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश के तीन इंपॉर्टेंट दर्रे जो आपके एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया, बोमडिला दर्रा कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरा आपका जो दीपू दर्रा है वो भी अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा आपका यंगयाप दर्रा। अब इसके अलावा एक और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, एक और ट्रिक बताऊँगा, तो वो क्या है आप यहाँ देख लीजिए। पहला हमारा बी, दूसरा हमारा डी, तीसरा हमारा वाई। तो बी डी वाई आपकी दूसरी ट्रिक है, बी से बोमडिला, डी से दीपू दर्रा, और आपका बाई से यंगयाप दर्रा। यह को इंग्लिश में बाई लिखा जाता है कभी भी, तो आप यह देख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी, बी डी वाई, ठीक है। अब बी से हो गया, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, बी डी वाई आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए, बर्थ डेट ईयर, ये हो गया आपका बर्थ डेट ईयर, जैसे आपका होता है ना, जैसे होता है पहले डेट मंथ ईयर होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। बर्थ डेट ईयर आपका बर्थडे डेट ईयर, जो आपका बर्थडे डेट है उस साल का वो आपको याद रखना इस तरह से। तो बर्थडे डेट ईयर आपका बर्थ डेट ईयर, ये ट्रिक हो गई आपकी, जो आपका बर्थ हो जाएगा बोमडिला हो जाएगा, डी से दीपू हो जाएगा, और ईयर से आपका यंगयाप दर्रा हो जाएगा। तो इसकी मैंने दो ट्रिक बताई आपको, जो आपको पसंद हो वो याद कर लीजिए। बाकी अरुण ने बीज बो दिया आपको सिंपल पड़ेगी मुझे लगता है, उसमें आपको लॉजिक लगाना थोड़ा सा, अगर आप लॉजिक नहीं लगाना चाहते इसको याद रखिए, अच्छी ट्रिक है। तो मैंने सोचा वो भी बता देता हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं तो अपने जो भी आप सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रिक है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि और लोगों को हेल्प कर सके, वो कमेंट आपका पढ़ लेंगे। और अब तक हमने जो ट्रिक कराई है आप उनको भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी इस ट्रिक के बारे में पता लग जाए, और एग्ज़ाम हाल में आप कोई गलती ना करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और दर्रों से काफ़ी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की हम और भी ट्रिक अन्य टॉपिक में आपके लिए लेके आएंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और कोई आपका क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।